मेरे भांजे भांजियों के लिए उनकी पढ़ाई की चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटियों, कई योजना हमने बनाई, आठवीं तक आपको पता है किताबें और यूनिफॉर्म देने का काम करते हैं। अभी अभी बारहवीं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए थे, उन बच्चों को 25-25 हजार रुपया खाते में मैंने डाले कि कंप्यूटर खरीद लेना, लैपटॉप खरीद लेना। और सुनो रे बेटा बेटियों, अगस्त के महीना में अपने अपने बारहवीं के स्कूल में जो बेटा और बेटी पहले नंबर आए हैं, दोनों को, बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा ताकि कॉलेज बैठ के उस पे जाए। पांचवी पास करके छठवीं जो बच्चे दूसरे गांव जाते हैं, उनके खाते में अभी 4,500 रुपया डालने वाला हूं ताकि साइकिल खरीद ले और साइकिल पे बैठ के जाए। वैसे ही आठवीं पास करके नौवीं में जाने वाले, उनके खाते में भी 4,500 रुपया आएंगे। और एक बात सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा। इसलिए मेरे बेटा बेटियों और मेरे उनके मम्मी पापाओं, ये बात नोट कर लेना, अगर आपके बेटा बेटी का एडमिशन उनकी मेहनत से अच्छे कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, तो फीस बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8-10 लाख रुपया साल होती है, 5 साल की 50 लाख। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, किसानों के भरवा सकते हैं क्या? तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। तुम तो पढ़ाते रहो, बच्चों को बढ़ाते रहो, यही तो जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलना है बच्चों की।